हेलो फ्रेंड्स, आज हम अरिहंत हैंडबुक का बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं। मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों की बुक है। सबसे पहले अपन केमिस्ट्री बुक का रिव्यू करते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इस केमिस्ट्री बुक के राइटर हैं प्रीति गुप्ता, उनको सपोर्टेड बाय सहेला खान एंड सहान अंसारी। इसके अंदर आप देख सकते हैं पूरे 11th एंड 12th के केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। हाइड्रोकार्बन्स, देन ये हेलो एल्किन्स, एनालिटिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, इसके अंदर देख सकते हैं आप। प्रीफिक्स, टेबल ऑफ फॉर्म में इक्विवेलेंट मास, देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन ये सरफेस केमिस्ट्री, एडसॉर्प्शन, फिजिकल एंड केमिकल एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स, फ्रेंडलिक्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, डिस्पर्जन एंड डिसइंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल मूवमेंट के बारे में। एक्चुअली ये बिल्कुल आपके एग्जाम के पहले आपको जल्दी से जल्दी जितना रिवाइज करने के लिए बुक, बहुत अच्छी बुक है केमिस्ट्री के लिए, देख सकते हैं। और इसके अंदर समराइज नहीं, बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरीके से दे रखा है। आप इसको अगर मेन बुक की तरह प्रेफर भी कर सकते हैं। बस इसके अंदर हैंडबुक टाइप से नोट्स, शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं, वो दे रखे हैं। यानी पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13, ये बोरोन के जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उन सब की प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ग्रुप 14, कार्बन, एलोट्रॉप्स, सिलिकॉन्स, जियोलाइट्स, केमिकल हाइड्राइड्स, देख सकते हैं आप, या अमोनिया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, देन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गया, देन ये अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, एसिटिलीन, हाइड्रोकार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन ये अपना माइन, ये एसिड डेरिवेटिव्स की कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन एसिड हैलाइड्स देते हैं उसके बारे में ये रिएक्शंस दे रखी है, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, मॉलिश टेस्ट, ये अपना बायोमोलिक्यूल्स, देन ये स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन मींस स्टार्च, सुक्रोज, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स, ग्लूकोज, देन स्ट्रक्चर ऑफ RNA, टाइप्स ऑफ RNA, देन ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ गई, देख सकते हैं आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री लास्ट चैप्टर, ठीक है। देन ये फिजिक्स बुक का सेम, फिजिक्स बुक भी ऐसे ही है, देख सकते हैं, ये हेल्पफुल फॉर 11th 12th स्टूडेंट, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एंड अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत अच्छी बुक है हैंडबुक। ये यूनिट एंड डायमेंशन फर्स्ट चैप्टर, देन ये ग्रेविटेशन, इसके अंदर 11th एंड 12th के दोनों के दे रखे हैं। ये सरफेस टेंशन, एक्सेस प्रेशर इन डिफरेंट केसेस पे, बबल्स का, लिक्विड फिल्म का क्या होता है, प्लेन सरफेस से कैसे होता है, देन ये थर्मोमेट्री एंड कैलोरीमेट्री के ये फार्मूले, क्यूबिक एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एंड लीनियर एक्सपेंशन, शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं विद फार्मूलास, देन ये देख सकते हैं आप सिंपल पेंडुलन ऑसिलेशंस आ गए, देन ये वेव्स एंड साउंड, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, डेफिनेशन विद फार्मूला, कलर कोडिंग, बीबी रॉय जो इसके शॉर्ट ट्रिक होती है ये दे रखी है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, जैसे आप रेजिस्टेंस बता कर सकते हैं कि उसका किसने रेजिस्टेंस है, देन इनके डिवाइस पोटेंशियोमीटर, वीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, देन ये अपना हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट MEC, देख सकते हैं आप, एंड ये रिफ्लेक्शन यानी रे ऑप्टिक्स, देन ये अपना वेव ऑप्टिक्स, देन इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, ये PN जंक्शन रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ ट्रांजिस्टर्स, बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, देन लास्ट में इसके अंदर सबके फॉर्मूले दे रखे अपेंडिक्स में, देख सकते हैं आप टोटल इसके अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स सबके फॉर्मूले, अपने टोटल फार्मूले इसके अंदर देख सकते हैं, 336 11 12 दोनों बुक्स को मिला के जितने भी फार्मूले वो एक जगह समराइज कर रखे अपेंडिक्स में। देन ये इसके अंदर और जैसे कौन से साइंटिस्ट कहाँ के थे और क्या उन्होंने किया था, देख सकते हैं लास्ट में दे रखा है। देन अपनी फेवरेट बायोलॉजी, जैसे कि आप देख सकते हैं बायोलॉजी की ये हाईली यूजफुल क्लास 11th एंड 12th एंड मेडिकल एंट्रेंस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसके ऑथर हैं संजय शर्मा, आर्यन पब्लिकेशन की बुक है ये, देख लीजिए आप इसके जैसे 11th 12th के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं टोटल 36 चैप्टर हैं, 38 सॉरी, उन सबको एक जगह समराइज कर रखा है।
फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड का जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग वो को एक ऐसे चार्ट फ्लो चार्ट टाइप के बना के बता रहा है, समझा रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। ये बायोडाइवर्सिटी सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर बेसिस हो गया, इस ये फुल फॉर्म दे रखे हैं, फुल फॉर्म अगर दे रखी है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ गया, एनिमल किंगडम के अंदर लाइफ साइकिल वगैरह थोड़ा डिटेल में दे रखा है एनिमल किंगडम के बारे में। इसमें देखिए काइनोडर्मेटा का पूरा इतना दे रखा है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी दे रखी है काइनोडर्मेटा की, हेमिकॉर्डेटा, देन ये मॉर्फोलॉजी के अंदर पूरे डायग्राम से एक्सप्लेन, अब सेल के अंदर ये ऑटोफेज एक्सोसाइटिस एंड पिनोसाइटिस कैसे होता है उसका स्केच ड्रॉ कर रखा है आउटलाइन। देन ये मेटाबॉलिज्म मिनरल न्यूट्रिशन साइकिल, ये नाइट्रोजन साइकिल पूरी एक्सप्लेन कर रखी है। देन ये ब्रीथिंग के अंदर प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमंस इसके अंदर पूरा बता रखा है कि फ्लो चार्ट के एक्सटर्नल नियर से नेजल कैविटी, इंटरनल नियर्स, फेरिंग्स, ग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकायोल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, देन एल्वियोलाई। देन ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट में विद डायग्राम दे रखा है, स्केलेटन के अंदर ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन्स कैसे अरेंज, टोटल नंबर उनका सब बता रखा है टेबल के फॉर्म में। देन ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये ओवरी का टीएस दे रखा है विथ एक्सप्लेनेशन इन लेबलिंग डाइ। देन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लैक अपरेन, जैसे ओपेरोन के बारे में रेगुलेटर जीन्स इंड्यूसर ओपेरोन दे रखा है। देन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर एच आई वी कैसे कैसे ट्रांसमिशन हो सकता है एच आई वी वायरस का। देन मैकेनिज्म दे रखा है कि कैसे वो होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है, ये देख सकते हैं थ्योरी। अब ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कैंसर के बारे में बता रखा है। देन ये बायोटेक्नोलॉजी, देन इसके अंदर ये इकोसिस्टम आ गया, फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, देन एनवायरमेंटल इशू लास्ट चैप्टर, देन इस देख सकते हैं आप। और लास्ट के अंदर इसमें भी कुछ अपेंडिक्स दे रखे हैं कि कौन सा सजाइटल ट्रांसफर कॉलन। अब जैसे आप एम बी बी एस मेडिकल कॉलेज पर चले जाएंगे जब आपको पढ़ाया जाएगा जैसे वर्टिकल प्लेन को सजाइटल ट्रांसफर्स जो आपको हाफ पार्ट में अपर हाफ लोअर हाफ में, कोरोनल आपको अप फ्रंट और बैक एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड करता है, ये अलग अलग प्लेन्स के बारे में समझाया जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, प्लांट प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं। अगर बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपको कम टाइम में बहुत अच्छा रिवीजन कर रहा है तो आप ये अरिहंत की हैंडबुक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को इसको अमेजोन फ्लिपकार्ट से कहीं भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।